अगला है कन्वेयर बेल्ट। ट्रैक हॉपर बंकर में कन्वेयर बेल्ट रहता है जो कि ट्रैक हॉपर में गिरने वाले कोयले को स्टैकिंग के लिए स्टेकर रिक्लेमर के पास ले जाता है या फिर डायरेक्ट बंकर में भी ले जाने की व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में अपने आप में ही अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, तो वहाँ पर भी जो सामान्य कन्वेयर बेल्ट के साथ जो सुरक्षा सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि ढीले कपड़े इत्यादि पहन करके ना जाएं और उसके जो पुल कार्ड इत्यादि हैं जिससे कि कन्वेयर बेल्ट को आपात स्थिति में तुरंत रोका जा सकता है, उसके भी सुसंचालन में रहने को सुनिश्चित करें। कोई भी डिफेक्ट दिखाई देने पर, अगर पुल कार्ड कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करें। कन्वेयर बेल्ट के नीचे अगर कोल जमा हो रहा है तो उसको भी तुरंत सफाई करवाएं, अन्यथा कन्वेयर बेल्ट फट सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है और किसी को चोट भी लग सकती है। कन्वेयर बेल्ट में अगर किसी प्रकार का अबनॉर्मल साउंड कहीं से आता हुआ सुनाई दे रहा हो तो भी तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करना आवश्यक है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में प्रॉब्लम आने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी दुर्घटना को होने से पूर्व रोकने के लिए अबनॉर्मल साउंड को सुनने की आवश्यकता होती है और तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। ट्रैक हॉपर बंकर में एक और प्रॉब्लम आती है, वो है मदद मिलने में देरी होना। अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति घायल हो गया है, कोई चोट लग गया है या बेहोश हो गया है, तो चूंकि ऊपर से नीचे कई मीटर उतरना पड़ता है, तो इतना अधिक नीचे उतरने में फिर ऊपर उठा करके ले जाने में आपातकाल में काफ़ी कठिनाई होती है। किसी प्रकार की दिक्कत आने पर कंट्रोल रूम को सूचित करने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रणाली ट्रैक हॉपर के नीचे बंकर में अवश्य स्थापित होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आने पर कंट्रोल रूम से मदद मांगी जा सके। अगला है आँख में धूल। चूंकि कोल के साथ कोल डस्ट रहता ही है और जब बंकर में कोयला गिरता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी होता है, तो ये डस्ट आँखों में जा सकता है जिससे कि आँखों को क्षति पहुंच सकती है। तो वहाँ पर आँखों को धोने की व्यवस्था भी आई वॉश शावर इत्यादि या नल के माध्यम से पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि आँख में कचरा चले जाने पर या डस्ट चले जाने पर तुरंत उसको धोया जा सके। वैसे ही कोल्ड डस्ट श्वास के साथ भी अंदर जा सकते हैं जिससे कि लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, कोल माइनर्स निमोकोनोसिस नामक रोग हो सकता है और असमय बुढ़ापा आ सकता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए प्रॉपर तरीके का डस्ट मास्क पहनना चाहिए और ये डस्ट मास्क साफ़ सुथरा हो और समय रहते उसको बदल दिया जाए। बिल्कुल गंदे डस्ट मास्क को इस्तेमाल करने से नुकसान से नहीं बचा जा सकता। ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में हेपा डस्ट मास्क का प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और खतरा होता है वहाँ पर, जो होता है बंकर के अंदर भी गड्ढे होते हैं, वहाँ पर सम्प बना होता है जो पानी इत्यादि बारिश का या किसी भी प्रकार के पानी जो बंकर में जमा होता है वह इकट्ठा करने के लिए एक सम्प बना होता है, एक गड्ढा बना होता है और उसकी ओपनिंग को चारों तरफ से कवर होना चाहिए, रेलिंग लगा होना चाहिए, टो बोर्ड लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति असावधानीवश उसमें न गिर पाए या कोई सामान उसमें न गिर पाए। तो इसके लिए रेलिंग और टो गार्ड या टो बोर्ड होना आवश्यक है सम्प में। अगला है कोयले में आग। ऐसा भी संभव है कि वहाँ पे जो कोयला नीचे गिराया जा रहा है बंकर में, उसमें कहीं आग लगी हो या किसी भी प्रकार से अगर कोयले में आग लग जाए और बंकर के अंदर व्यक्ति है तो बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो निकलने वाले धुएं से हालत खराब हो सकती है। तो उससे बचने के लिए बंकर में काम करने वालों को विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। जब भी इस प्रकार की आग उठता जरा सा भी दिखाई देता है तो तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया जाए, कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया जाए, ताकि उसके समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके और आग ज़्यादा न फैल पाए। ट्रैक हॉपर के नीचे बंकर में खुली नालियाँ भी हो सकती हैं उस पानी इत्यादि के बहने के लिए या सम्प में पानी को भेजने के लिए, वहाँ पर नालियाँ होती है। अगर उन पर जालियाँ नहीं लगी है या जालियाँ लगी थी उनको वर्कर्स के द्वारा सफाई के द्वारा निकाल करके बगल में रख दिया गया है, अब नालियाँ खुली है, तो ऐसी अवस्था में किसी का पैर उसमें पड़ सकता है और व्यक्ति गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो ऐसी अवस्था से बचने के लिए जो भी नालियाँ वहाँ पे हैं उनको प्रॉपर तरीके से जालियों के माध्यम से ढका हुआ होना चाहिए। कई बार वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपको मिल सकता है जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, तो इसके कारण वहाँ पर दम घुटने की जैसी स्थिति बन जाती है। तो जब भी आपको इस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत आदि आ रहा तो तुरंत ही एग्जॉस्टर फैन को तुरंत चलवाएं, ताकि जो भी दूषित गैसेस हैं या हानिकारक गैसेस हैं वो तुरंत ही बाहर निकल जाए और फ्रेश एयर उसके बंकर के अंदर आ जाए। अगली समस्या है वहाँ पर कई बार
वर्कर्स खाना बनाने लगते हैं या चाय इत्यादि बनाने के लिए आग जला लेते हैं, तो ये वहां पर मना होता है क्योंकि किसी प्रकार का आग जलाना और चारों तरफ कोयले जैसा जलने वाला ईंधन मौजूद हो, ऐसी स्थिति में वहां पर किसी प्रकार का आग जलाना एक प्रकार से बड़े खतरे को आमंत्रण देने के समान है। तो वहां पर किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा आग भी जलाना मना होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगली समस्या है हॉट वर्क। कई बार बंकर के अंदर या ट्रैक हॉपर में हॉट वर्क की जरूरत पड़ती है, यानी ऐसे काम जिसमें कि आग लगने की संभावना है, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग इत्यादि। ऐसी स्थिति में चिंगारी अगर कोयले पर गिरती है या ज्वलनशील पदार्थ पर गिरती है तो फिर वहाँ आग लग सकती है। ऐसी स्थिति में जब भी हमें हॉट वर्क करना हो तो प्रॉपर परमिट होना चाहिए और फिर वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के लोगों की तैनाती कर दिया जाए, या अगर आवश्यकता है तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बाहर तैयार रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी खतरा शुरू हो उससे पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चूँकि बंकर माइनस लेवल में होता है इसलिए प्रकाश की समस्या भी वहाँ रहती है, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुँचता है। वहाँ पर अच्छे प्रकार का लाइटिंग चारों तरफ होना चाहिए, कोई भी कोना अंधेरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सांप बिच्छू इत्यादि होने की संभावना हो सकती है, और कोई व्यक्ति अगर चोट लगने से वहाँ पर गिरा हुआ है और अंधेरा है तो फिर दूसरे साथियों को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए प्रॉपर तरीके के लाइटिंग चारों दिशाओं में सभी कोनों में अच्छी मात्रा में लाइटिंग होनी चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार का लाइटिंग फिक्स्चर खराब हो गया है या कोई लाइट नहीं जल रहा है तो उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम में या फिर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको अवश्य पहुँचाएं। तो मित्रों, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।